नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी का गांव बनगांव, जो विश्व गांव बनगांव के नाम से प्रसिद्ध है, वो कोसी प्रमंडल के सहरसा जिला स्थित बनगांव थाना और बनगांव गांव ही। बनगांव गांव 3 पंचायत का गांव, तो इसी साफ साफ समझ सकते हैं कि सच में ये विश्व गांव उनको कहा जा सकता है या विश्व गांव है। वही है उनका जन्मस्थली है परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई जी का, तो उन्हीं के जन्मस्थली और उनका जो कुट्टी है बाबा जी कुट्टी के नाम से प्रसिद्ध है, मेन रोड बलुहा और सहरसा के बीच में ही है, बनगांव है। तो वही आपको मैं उसका मंदिर का दर्शन करवाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और मैं अब चलता हूँ। गेट का कुछ काम चल रहा है जीर्णोद्धार का। नमस्कार दोस्तों, फाइनली हम लोग जो है आ गए हैं, बाबा जी कुटी प्रवेश कर चुके हैं। ये इधर से ऑटो आ रही है, वो सहरसा से आ रही है और जा रही है बलुहा की ओर, दरभंगा की ओर। तो परिसर में आ गए हैं, परिसर में ये देखिए, ये है संत खियाली खां बंगला बनगांव, और उसके बाद आपको परिसर में लोग सब बैठे हुए हैं, और ये बाबा जी की मतलब बाबा लक्ष्मीनाथ गोसाई की, और इसी में उनका मंदिर है। चलिए पहले मैं इसका भ्रमण करके दिखाता हूँ। और ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ के दरवाजा का काम भी चल रहा है, और ये भी हो रहा है, और ये यहाँ पे लोग संध्या वंदन करते हैं। और ये विशाल जो मंदिर देख रहे हैं, ये भी भगवती के मंदिर है, यहाँ पे पुजारी अपनी वोट चेक करने के लिए। देखिए ये बंगला है जहाँ पे संध्या वंदन होते रहता है, और इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं लक्ष्मी तारा नारायण ठाकुर वारी। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से अगर मंदिर है या देव स्थान है कोई भी, तो वहाँ पे तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो ये तुलसी के लिए, और ये उसका मेन गेट है इस मंदिर का। इसका मैं मंदिर का ये परिसर, अब ये श्री लक्ष्मी नारायण का फुलवारी, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि बाबा जी कुट्टी के अंतर्गत है, उसका भ्रमण कर ले लगभग। अब ये होकर के फिर बाहर की ओर जा रही है, जैसे कि मेन रास्ता है ये, लक्ष्मी नारायण का ये प्रवेश द्वार है।
और उसके बाद इधर से जाने के बाद बाबा जी कुटी घंटा है, और बाबा जी कुटी के लिए फिर से लौट करके जा रहे हैं। ये सारे मंदिर हैं और यहाँ भव्य मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। यहाँ से वनगांव भ्रमण बंद, अब फिर अगले ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलता हूँ।